हेलो एवरीवन, प्रियंका साबे के चैनल में आप सबका स्वागत है। बिग बॉस 17 का जो आज का एपिसोड था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं आज मुनावर की बात कर रही हूँ। मुनावर वीकेंड के वार के बाद से ही वो बहुत लो और डिप्रेस थे, क्योंकि जब सलमान सर ने उनको बोला था कि आप शो में बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे ये वो, और अब बिग बॉस ने उनके सामने एक ऐसी सिचुएशन ला के खड़ी कर दी कि एक ही साथ उनका पास प्रेजेंट फ्यूचर एक्सपोज किया। और उनके लिए सच में एक शॉकिंग था मुनावर फारूकी के लिए, क्योंकि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड सामने है और वो पास्ट के बारे में, उनके रिलेशनशिप्स के बारे में, अफेयर के बारे में बात करी है। एंड फिर बिग बॉस उसी टाइम पे मनारा को भी बुलाते हैं कि मनारा आप आयशा खान को लेके आए। एंड मनारा के लिए भी शॉकिंग था कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि मुनावर ने उनको इतना सब कुछ नहीं बताया था, सिर्फ इतना बताया था कि मेरी गर्लफ्रेंड है। और धीरे धीरे घर वालों को भी पता चलता है, धीरे धीरे सबको पता चलता है कि उनके लव अफेयर के बारे में। और विक्की भाई तो ऐसे कि भाई मेरा कोई पास नहीं, क्योंकि बिग बॉस हर किसी का पास ला के उनको ऑकवर्ड फील कराते हैं। मनारा ने एज अ फ्रेंड बहुत अच्छे से सिचुएशन को हैंडल किया। उन्होंने मुनावर को बोला है कि लाइफ है, लाइफ में ये सब चीज़ें होती रहती है। और जब से वीकेंड के वार के बाद जैसे मुनावर फारूकी मनारा से बहुत कम बातचीत करने लगे, और मुनावर भी अभी मनारा के पहले जैसे बात नहीं करता है, जैसे पहले उनका बॉन्ड था, फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड, वो अभी नहीं है। आप देख सकते हो जो मनारा मोमेंट था वो अभी नहीं है। और आयशा आने के बाद आई डोंट नो कि हम लोग को वो मोमेंट देखने को मिलेगा कि नहीं। और मनारा भी अपसेट है कि मुनावर एज अ फ्रेंड उसने ये बातें मुझे नहीं बताई। थैंक यू इफ़ यू